अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, दिस इज नजीबुल्ला कलवर, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू FBR। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं इन सिंध रेवेन्यू बोर्ड। इसको आज इसकी एडवर्टाइजमेंट को हम बड़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस जॉब्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी सुन, क्योंकि अभी जॉब्स अनाउंस हुई हैं आज ही। तो मैं आपके साथ पहले एडवर्टाइजमेंट शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद आगे और वीडियोस में इसकी जो सैलरी है और बेनिफिट्स होते हैं, जॉब नेचर क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। और इसकी प्रिपरेशन जो है वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे सिलेबस क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है उसको डिस्कस करते हैं। जी, ये एडवर्टाइजमेंट सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने शाया की है, एडवर्टाइजमेंट दी है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड इज लुकिंग फॉर यंग लीडर्स हु कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स डायनामिक ह्यूमन रिसोर्स। अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है वो? सबसे एक ही पोस्ट है ये अनाउंस हुई है, ठीक है। सिंध जो है वो सेल टैक्स ऑफिसर, यानी जिस तरह FBR में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसी तरह सिंध जो है रेवेन्यू बोर्ड जो है उसमें SRB में ये जो सेल टैक्स ऑफिसर होता है ये वही काम करता है, इंस्पेक्टर वाला। सिर्फ नाम जो है वो डिफरेंट है, बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री 4 years रिकग्नाइज बाय हेग, यानी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 years जो है ऑफ एजुकेशन जो है वो बैचलर एजुकेशन वो रिक्वायर्ड है, यानी 14 years एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। बैचलर डिग्री का मकसद यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली 4 years, ठीक है। विद फर्स्ट डिवीजन इक्विवेलेंट परसेंटेज, इन अदर वर्ड्स 60%, यानी फर्स्ट डिवीजन हो आपकी या 60% हो, परसेंटेज विल ओनली बी कंसिडर्ड इफ CGPA इज अनअवेलेबल ऑन द ट्रांसक्रिप्ट, यानी अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें CGPA नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का, कहीं पे नहीं होता सिस्टम, परसेंटेज का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे फिर परसेंट 60% जो है आपकी देखी जाएगी। या फिर आपका CGPA जो है, अगर आपका CGPA तो 2.5 होना चाहिए और हायर इन बिजनेस। अब डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है? बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो BBA करते हैं या MBA करते हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अकाउंटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपकी अकाउंटिंग में डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है, जैसे BS अकाउंटिंग भी होती है। फिर इकोनॉमिक्स अगर आपकी डिग्री है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। कॉमर्स है, यानी BCOM है आपका 14 years, सॉरी 16 years, तो फिर भी आप MCOM के, आपका अगर पहले आपने BCOM किया है फिर आपने MCOM किया है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। लॉ फ्रॉम इन हेग रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, यानी अगर आपने लॉ की डिग्री की हुई है तो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिग्रीज इन एनी अदर प्रोग्राम्स एंड डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी अगर आपकी डिग्री कोई और है इनके अलावा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये चीज़ें जो है आपकी देखी जाएंगी, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने नहीं लिखा कि सर्टिफिकेट आपके पास हो या ना हो। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इनकी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी होती हैं, तो इसके लिए ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड उर्दू और सिंधी, यानी उर्दू या सिंधी में भी आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए। फिर डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम फॉर्म डी इशूड बाय द प्रोविंस ऑफ सिंध, यानी आप पाकिस्तान में सिंध में रहने वाले हों तो फिर आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट जो है इसकी मिनिमम 21 years एंड मैक्सिमम 30 years ऑन द 31st of October 2024। एज रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो एज रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, और वो वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको इस जो है जो लिंक है उसकी, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी जो 31st of December है उस तक जो है वो 15 years एज रजिस्ट्रेशन जो है वो दी गई है, उसको मजीद मैं अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उसको अगर आपकी एज लिमिट जो है वो 30 years नहीं है, अगर ज़्यादा भी है तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट एज रिलैक्सेशन। नोट, रिटेंशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सिंध सेल टैक्स ऑफिसर SRB स्केल 16 विल डिपेंड ऑन हिज आर हर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग विच विल इंक्लूड मैंडेटरी फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी आपकी जैसे ही आप अपॉइंटमेंट होगी आपकी तो आपकी सैलरी भी पहले कम होगी और फिर इसकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेनिंग एग्जाम जो है वो पास करना पड़ेगा बाद में, वो हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत आपने अच्छे तरीके से काम किया हो तो। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी गवर्न्ड बाय द एसआरबी रेगुलेशंस। आगे चलते हैं, प्रीरिक्विजिट्स, एप्लीकेंट्स विद फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मस्ट फर्निश हेक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, यानी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हेक का, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके एलिजिबल है, यानी इक्विवेलेंट है। इन केस ऑफ एनी फॉल्स आर फोर्ज इंफॉर्मेशन, ये हर में लिखा होता है, और एसआरबी जो है वो राइट रखता है कहीं पे भी इसको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस को। फिर इक्वल जो है आपका ड्यूटी एम्प्लॉयर है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली इफ दे फुलफिल, ये भी कॉमन जो है चीज़ लिखी जाती है। अब आगे जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली, ये चीज़ ध्यान में रखें। बार बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर इसका फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन होगा या फिजिकली भी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियरली मैंशन किया है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ऑनलाइन ओनली सबमिशन इन हार्ड कॉपी विल नॉट बी इंटरटेन, ठीक है, यानी हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जो है वही जमा करवाना है। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड एट IBA पोर्टल, यानी IBA कराची का पोर्टल है, ये एड्रेस है, आप लिखेंगे पोर्टल अपने बार जो होता है आपका सर्च बार वहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा ऑनलाइन वो खुल जाएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी वो November 11 है 2024। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी इंटरटेन, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट, ग्रुप डिसीशन एंड इंटरव्यू। मैंने पहले बताया था कि इनकी पहले टेस्ट होती है, फिर ग्रुप डिसीशन होती है, और बार आखिर में जो है लास्ट में इंटरव्यू होता है। कोई भी TDA जो है वो नहीं दिया जाएगा रिटन टेस्ट में या ग्रुप डिसीशन में या इंटरव्यू में आने के लिए, ठीक है। इफ रिलेटेड एनी रिलेटेड ट्रेवल एक्सपेंस विल बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट, कोई भी होगा एक्सपेंस वो आपको खुद भरना पड़ेगा। एनी अलाउंस वगैरह जो है फॉर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इफ रिलेटेड फॉर ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ पोस्टिंग आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग, कोई भी TDA नहीं दिया जाएगा या कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विद फोटो का भी देर विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिसीशन एंड इंटरव्यू, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल जैसे होते हैं अमूमन, और उनकी कॉपीज जो हैं वो जब आप इंटरव्यू या ग्रुप डिसीशन में जाएंगे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। कोटा प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर वुमेन पर्सन्स विद स्पेशली एबल्ड एंड मिनोरिटीज विल बी ऑब्जर्व, या तीन कोटा जो हैं ऑब्जर्व किए जाएंगे, एक वुमेन का, फिर स्पेशल पर्सन्स का और मिनोरिटी का। अर्बन रूरल कोटा ऑफ सिंध प्रोविंस भी एप्लीकेबल, यानी रूरल सिंध और अर्बन की जो डिफरेंस है 60% और 40 वाला वो भी ऑब्जर्व किया जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय IBA कराची एट देयर स्पेसिफाइड लोकेशंस इन द प्रोविंस, कराची, सखर, हैदराबाद। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट स्क्रीनिंग कम रिटन टेस्ट फी ऑफ ₹1500 थ्रू फी वाउचर इन द अकाउंट ऑफ IBA कराची एंड एनी ब्रांच ऑफ मिजान बैंक लिमिटेड। कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेटेड अबोव आर रिक्वायर्ड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड जनरेट द फी वाउचर थ्रू IBA पोर्टल। द टेस्ट फी इज नॉन रिफंडेबल, ये जो लिखा होता है वही है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लाईज हैं या सेमी गवर्नमेंट के वो थ्रू प्रॉपर जो है अप्लाई करें, NOC वगैरह जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट वर्किंग एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर स्टेटरी बॉडी शिल प्रोवाइड NOC फ्राम रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल साइन अ बॉन्ड विद SRB आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस विच विल बी बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म हमने डिस्कस कर लिया और इसकी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर आते हैं हम अभी। हम जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर माई न्यू विजिटर्स आर सब्सक्राइबर्स, आई एम वर्किंग एज इंस्पेक्टर एलिमेंट रेवेन्यू FBR। माई पास्ट जॉब्स आर जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर, सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेविंग्स कौमी बचत, एंड सीनियर ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जूनियर एडिटिव एडमिन एंड जूनियर एडिटिव अकाउंट्स इन पब्लिक सेक्टर। ये वो जॉब्स हैं जो मैंने हासिल की हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे रिटन टेस्ट जो है मैंने क्वालिफाई किए जो यहाँ पे मैंने मैंशन नहीं किए। तो अगर आप इस जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। मैंने नंबर अपना इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे शेयर किया हुआ है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, और बहुत जल्द जो है इसके क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।